हर वर्ष उत्साही बाल गणेश मंडल होली चौक द्वारा रामनवमी और शोभा यात्रा के दौरान भव्य महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया जाता था और समूचे होली चौक को रोशनी ध्वज पताकाओं से सजाया जाता था। लेकिन इस वर्ष यह आयोजन न कर ब्रेन हेमरेज से पीड़ित 23 वर्षीय युवा आदित्य अशोक घोड़से के उपचार हेतु परिवारों को आर्थिक मदद करने का संकल्प लेकर अपना सामाजिक दायित्व निभाया। उत्साही बाल गणेश मंडल के प्रमुख भूतपूर्व नगर सेवक सुनील चाफेकर और मंडल के सभी पदाधिकारियों ने रामनवमी निमित्त संपन्न शोभा यात्रा के दौरान साथ सजावट और महाप्रसाद वितरण न कर एकत्रित होने वाली धनराशि ब्रेन हेमरेज से 85% पीड़ित आदित्य घोड़से के उपचार हेतु दिए जाने की घोषणा कर ज्यादा से ज्यादा राशि संकलित करने का मानस बनाया है। इसलिए उन्होंने शोभा यात्रा के दौरान आदित्य के उपचार हेतु मदद करें ऐसा फलक लगाकर दानदाताओं से अनुरोध किया है। बता दें कि गरीब परिवार के होनार युवा आदित्य की कुछ दिन पहले अचानक तबीयत खराब हुई। स्थानिक तौर पर किए गए उपचार का लाभ ना होने पर उसे नागपुर ले जाया गया, जहां जांच में पाया गया कि उसे ब्रेन हेमरेज हुआ है और उसके 85% ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया है, जिसके इलाज हेतु करीब 10 लाख रुपए आवश्यक होने की बात चिकित्सकों ने बताई, जिससे पीड़ित आदित्य की जान बच सके। उक्त जानकारी प्राप्त होते ही उत्साही बाल गणेश मंडल जैसे अनेक संस्थाएं और समाजसेवी सुनील चाफेकर जैसे समाजसेवी पीड़ित आदित्य को आर्थिक मदद जुटाने हेतु कार्य कर रही है। समाजसेवी सुनील चाफेकर ने दानदाताओं से अपील की है कि वे ICICI बैंक शाखा सावनेर स्थित आदित्य घोड़से के खाते क्रमांक 9092383587764 IFSC कोड IDFBO020101 में सहयोग राशि भेजकर होना युवा का जीवन बचाने हेतु सहयोग करें। सावनेर से NBCN न्यूज़ के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।